फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबका जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज यहां पे सेकंड रोजा हम आ गए सहरी तैयार करने के लिए। टाइम हो रहा है 3:21 और हम लोग दही को फ्रिज में रखना भूल गए, थोड़ा तो ठंडा खाएंगे। फ्रेंड्स अभी बनाते हैं हम यहाँ पे पराठा। सहने के लिए दो, अपने लिए दो, नहीं मेरे लिए एक, अपने लिए दो। अब बस वन खाओ। बहुत ठंडा हो रहा है आटा, आप यकीन नहीं मानोगे। इतनी थकान हो रही थी कि हमेशा, आपको पता है कि इफ्तार के बाद चाय हमेशा मुंबई में पीते थे, लेकिन तो चाय बना दो मैं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, 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 प्लीज। नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा। मैंने इफ्तार के बाद से अब तक चाय नहीं पी और अभी भी मेरी बनाने की हिम्मत नहीं है। मैं बनाऊंगा सब अगली चाय और ये बनाएगी मेरे लिए पराठा, है ना। पराठे का लड्डू बना लिया था, फिर ध्यान आई कि इसमें तो नमक ही नहीं है। हमारा बर्तन सब अगली चाय बनाना है। चाय हुई रेडी, ये जरूर ध्यान रहेगा भाई, शर्मा के लिए बना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी जो है वो आ चुकी है। पराठे जो कि अभी पता नहीं क्यों अलग दिख रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो अच्छे बने थे। और ये डबल रोटी, चाय और दही और शक्कर। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सहरी, इंशाल्लाह सहरी करके फिर आप लोग से मिलते हैं। कैसे लगे मेरे हाथ के पराठे? एक नंबर पराठे, अच्छे हैं। अजान होने लगे तो फ्रेंड्स हम आपसे मिलते हैं सुबह उठ के। व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत तेज नींद आ रही है और देखिए माशाल्लाह लाइट बंद करके कितना अच्छा लग रहा है। और ये भी, और ये भी। सबा खैर, गुड नाइट, मिलते हैं कल। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, हम लोग सो के उठ चुके हैं। अभी मैं सबसे पहले जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने, उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ के उसके बाद आपसे मिलती हूँ। नमाज हो गई है, 12वीं पढ़ लिया है। सनवी मस्जिद से आके अभी पढ़ रहा है 12। इसके पीछे हदीस भी लिखी होती है। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं बाहर कुछ काम से, हमें अपने पार्सल्स भी पिक करने हैं और कुछ कुछ चीजें भी लेनी है। इस वक्त बज रहा है 3:05। पूरे हैं फ्रेंड्स, सब लोग सोच रहे हैं कि हम कल ही राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो सबसे पहले हमने सोचा फेनिया भी दे दे क्योंकि लोग सहरी में खाते हैं। तो फेनी की दुकान दिख गई है। हाँ, तो फेनी और रूगल पे भी देखते हैं अगर सही। हाँ, तो बाकी सारी चीजें कोई दूसरे ग्रोसरी स्टोर से ले लेंगे। चलो आ जाओ। तो ये फेनी हो गई, यहाँ पे रूगल पे बाकी रह गया ना, ओरिजिनल है, लोकल नहीं। से ले लिया है, फेनी ले ली है। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि सभा को बनाना है अभी कस्टर्ड और इसको व्लॉग भी एडिट करना है, तो बहुत सारा काम है, टाइम बहुत कम बचा है। अब रोजा रखता है, टाइम देखते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि ये वाला रूम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे इफ्तार करेंगे। ये खजूर तो हमें हम आएंगे रात में पैकेट बनाने के लिए, इसलिए हम इसको अंदर नहीं रखते, यहीं पे रख लेते। इतने बड़े बड़े CFL लेके LED वाले, इतने बड़े, इतने बड़े बड़े। आज तुमने रिजा वाला काम किया है। क्यों? वो हर चीज को इतने का इतना करती है, कितने बड़े। तुम देखो अगर इससे इससे कम होगा तो तुम मुझसे 5,000 रुपए ले सकती हो। इतना बड़ा और इतना मोटा। रोशनी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी है, रोशनी की दीवानी। देख लो किचन तुम्हारा रेडी हो गया, साफ साफ सही लग रहा है, सही अच्छा लग रहा है ना, नाइस। मैं तुमने क्या कहा था, बड़ा बड़ा लेकिन रोशनी कितनी अच्छी हो गई। हाँ, मम्मी के स्पेशल वाले गुलगुले दिखा दो, ये गुड़ वाले गुलगुले हमारी अम्मा की तरफ से। आज कहा था है और गुलगुला है, कस्टर्ड है। क्या है? कस्टर्ड ये कह रही है। दाल चावल आज सब जिम्मेदारी रुखसाना भाजी मम्मी की, और करेला की सब्जी है। और दोस्त भी आ रहे हैं 4 जने। करेला की सब्जी, चावल चढ़ाए देखिए, दाल बन गई है। चले अभी अभी बाजार से लेके आए, फिर से बाजार 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 के घूम के आई है। मैं गई थी अपने ससुराल मोटर। अच्छा, मजा आया? हाँ बहुत। ये महर के चक्कर में दूसरा राउंड लगाना पड़ रहा है इसका, इतना वेट किया उस टाइम। आज है, आज है, आज है। क्यों लेट हुई थी? लेट हो गई थी, बैठो। अब कहीं लेके लिया हूँ रात में आज, ठीक है। सबसे पहले चल के तो लाएंगे महर को कपड़े, तो अभी हम सामने वाली शॉप पे चलते हैं, ये है मोती की दुकान। चले अब बताओ जल्दी जल्दी कौन सा चाहिए। ठीक है ठीक है, जो उसको चाहिए वो दिलाओ। सन तो है तुम्हें पक्का? महर को बैठा दिया है कार में, अभी हम जा रहे हैं कालीन लेने। ऊपर जाना पड़ेगा, सिंगल
लेकिन बड़ी बड़ी लग रही है ना, तो खोल के देखते हैं। सही है ना साइज का, ऐसी है, अच्छी है ना, अच्छी लग रही है। ये से बड़ा साइज है, मत दिखाई। कौन सा कलर तुमने चूज किया? ये वाला, ये रूम के हिसाब से जाएगा। तो फाइनली हमारी कालीन हो गई डन, अब हम जा रहे हैं जल्दी फटाफट घर। इफ्तार का भी टाइम आ रहा है, असर का भी टाइम आ रहा है। एक और सी एफ एल आ गया ना, आज मसूर के दाल के मुंगारे बन रहे हैं। तो बड़ा माशाल्लाह। तुम्हारा का स्टडी में क्या क्या कमी बाकी है अभी भैया? पूरी बाकी है, अभी तो शुरुआत करनी है। तरबूज भी मेरा फ्रिज में नहीं रखा गया अभी तक। तरबूज ये अब जाएगा फ्रिज में। चालू, इसको काट के रखोगे ऐसे रख लें? इसको टाकी लगाओ, काट के रख। जो जो मेरे काम थे मैंने सारे काम करवा दिए शालू के लिए, और जो शालू काम थे वो भी मैंने खत्म कर दिया। हम जा रहे हैं असर की अज़ान हो गई, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और सवा भी जाएगी नमाज पढ़। शादाब, लस्सी और समोसा, ठीक है? असर टाइम हो गया, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद बनाएंगे कस्टर्ड। अच्छा बन रहे हैं। सवा पाँच बज गया, अभी एक घंटा बचता है इफ्तार में। एकदम हम बनाते हैं कस्टर्ड, क्योंकि ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो ये दूध अभी गर्म है, ये वाला दूध हमने ठंडा कर लिया था। और कस्टर्ड पाउडर कितना डालना है उसे नहीं पता है। डालो फिर एक चम्मच, इस जरिए नहीं मिला, फटाफट मिलाओ, ठंडा ही नहीं चिपकेगा। अगर तुम्हारे इसमें ये दाने दाने पड़ गए ना, तो फिर तुम्हारा बनाना बेकार है। सारे हस्बैंड जो हैं वो सनी की तरह सीखिए, हेल्प कीजिए जितना हो सके। हाँ जितना हो सके हेल्प कर दो, क्योंकि सारे लोग तो रोजगार होते हैं ना, आपकी बीवियाँ भी रोजा रखती है, सबको समझिए। चलो भाई भूल गया है कस्टर्ड पाउडर, अब डालेंगे। डालो, आप इसमें लगा डालो, दूध ज्यादा है, थोड़ा सा हमें कस्टर्ड और डालना पड़ेगा। ये अब इसमें ऐड कर रही है शक्कर, और फिर ज्यादा ना हो जाए, अगर ज्यादा हो तुम्हारा नाम आएगा, आपका नाम आएगा। माशाल्लाह अच्छा दिख रहा है। एक ये तल के तो देखे कैसा है, लेके आए थे तो अभी थोड़ा फुर्सत के पल मिले हैं, तो आज हम लोग भी बैठ के करेंगे कुछ ऑर्डर। क्योंकि सनी ने कल डिसाइड किया था कि वो अम्मी लोगों ने जरेहान को सबके लिए आज यहीं से अफ्तारी मतलब ऑर्डर कर देगा। हाँ। ताकि उन लोगों को एक दिन कुछ ना करना पड़े। हाँ। मेरी तरफ से उनकी अफ्तारी है। हाँ, मतलब हम दोनों की तरफ से अफ्तारी। हाँ, जो भी हो, मतलब सनी का लेकिन आइडिया था। हाँ। तो अभी ऑर्डर कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो भैया सबकी अलग अलग फरमाइश है, अम्मा का पास्ता हो चुका, यहाँ पे अभी पूरी रेत बिछा दी और कल यहाँ पे टाइल्स लग जाएंगे। सभा काट रही है अंगूर कस्टर्ड के लिए, और टाइम बचा है सिर्फ आधे घंटे, ऐसे होगा सब? ज्यादा कुछ नहीं है आज। ये हो रही है यहाँ पे प्रिपरेशन कस्टर्ड की, ये कट रहा है अनार, खिल रहा है मतलब शायद आप खिल रहे हैं। और ये तो ऐसे ही है, कस्टर्ड में नहीं डलेगा, पपीता नहीं डलेगा। हाँ वो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैंने काटा वो जरूर पड़ेगा, ये ग्रेप्स है ना। मेरा बताया करो, सिर्फ शूट करूँ बस, तुम लोग अपना दिखाओ, मैं कुछ नहीं दिखाऊँ। अब आया मेन फल, और अब मैंने दुकान वाले टाकी लगाते हैं, वैसे लगाओ, लगा लो भी टाकी, लगा के दिखाओ, हाथ बचा के, क्योंकि बहुत तेज चल रहा है चाकू, जबान में चाकू थोड़ा ही फर्क है बस। तरबूज की दुकान खोल लेते हैं ना, मैं आवाज लगाऊंगा, तुम टाकी लगा लगा बेचना। तो ये शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन, जिंदगी में पहली बार कुछ मैं सफलता के साथ कर रही हूँ। कोई नहीं, बिस्मिल्लाह भाई साहब। टाकी अच्छे से क्यों नहीं निकली? कोई नहीं, अच्छे से लग गई, जितनी लगी उतने बहुत है। अरे लग गई टाकी, स्टार का टाइम हो रहा, टाकी के पीछे पड़ गई है, जल्दी फटाफट काट दे भाई। काटने में अपनी की याद आ जाती है, अपनी का ये काम होता है। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ ज्यादा नवाबजादे बन रहे हो, तुम इतना सारा तरबूज वेस्ट कर रहे हो। नीचे का व्हाइट वाला था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये व्हाइट नहीं है, तुम लाल भी निकाल रहे हो। एक होते अमीर, एक होते उससे ज्यादा वाले, और एक ही होते जो तरबूज का इतना सारा छोड़ देते हैं। हम लोग तो इसके नीचे तक खा लेते थे। अम्मा ये कुछ ज्यादा नहीं बर्बाद कर रहे, मैं अच्छे बताओ, ये सनी भाई ने कुछ ज्यादा नहीं छोड़ा? तुम दोनों बहनें नहीं, 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 नहीं ज्यादा छोड़ा है आपने, है ना, ऐसे नहीं चटता है। हाँ ये देखो, इतना थोड़ी ना कोई छोड़ता है। नहीं छोड़ता, दोनों काफी पीएचडी करके आई है कटिंग करने में फ्रूट्स में। 20 मिनट बचे हैं, आप जल्दी से बनने का शरबत। ये क्या गिर गया? वो लॉन्ग रहती है ना, लॉन्ग इसलिए ले जाती है, पता क्यों ले जाती है? चीटी नहीं हो। हाँ एक प्लेट और लियो, अब देखते हैं चलता है कि नहीं सही, क्योंकि उन लोगों का लोहे वाला होता है। इसके पीछे से निकालो बीजे, बीजे तो इसी फंस जाएंगे ना, फंस जाएंगे इससे। हाँ अपने हाथ से टपका देंगे इसको हम। ये तो फेल हो गया, फेल हो गया यार, इससे अच्छा तुम्हारे हाथ है। वो आज ये वाले रूम में इफ्तार करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सब बिछा लिया है, दस्तरखान भी बिछ गया, अभी सारी चीजें ला ला के रखते हैं। ये है मौत आ रही सनी के फेमस सर पर, चलो आ जाओ, चलो खजूर। इफ्तार के टाइम ना पेट भर गया था, तो ये लस्सी नहीं पिए, लेकिन अब पी रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही। तुमने पी थी लस्सी?
और रिजा की जैसी हो क्या? आ गया भैया पिज्जा, सनी आ गया तनावी पढ़ के, और मेहर को बहुत पसंद है पिज्जा। तो हमने सोचा आप सबको कपड़े दिखा दे जो मेहर के लिए लिए हैं। तो एक ये वाला था, अच्छा लग रहा है? और पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मौदहा में इस तरह के कपड़े अच्छे मिले, मतलब अच्छे मिलते होंगे लेकिन हमने इतनी शॉपिंग यहाँ से की नहीं। और इससे पहले जब हम मेहर को दिलाने के लिए गए थे तब उतने अच्छे वैसी चीजें नहीं मिल रही थी। इस बार काफी अच्छी है, मतलब देखिए फ्लोई सा अच्छा सा कपड़ा, कंफर्टेबल। ये है इसकी लेगिंग्स, और ये देखो, और ये पिंक तो हर लड़कियों का फेवरेट। इसके पास इतने सारे पिंक है लेकिन हमेशा पिंक लेती है। और ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसके साथ भी नीचे व्हाइट लेगिंग्स है। और ये वाला ऐसे ही घर पे पहनने के लिए था। ठीक है, दिखाने में तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में तह लगाने में बहुत बुरा लगता है। और जो दुकान में काम करते हैं, ये बात सही है। इसी बात पे मैं एक चीज कहना चाहूँ, वैसे हमारे कहने से कुछ होगा नहीं लेकिन फिर भी मैं सारी अम्मी लोगों से कहना चाहती हूँ कि दो तीन सूट देख के डिसाइड कर लो कि क्या चाहिए। नहीं, लड़कों का ठीक है, वो जाएंगे देखेंगे लेके चले जाएंगे। हो सकता है लड़के भी देर तक देखते हो। और भैया तुम लोगों को दिखाना मुझे, पूरी दुकान खाली करवा देंगे, उसके बाद देंगे ये पसंद आया। और उसके बाद ये भी बोलती है अभी हम और भी कहीं देख के आते हैं। अच्छा, ऐसा हमारे घर में भी होता है ना, मैं दुकान वाले के ना आग लग जाती है, और कहीं देख के आते हैं फिर भी वो स्माइल रखते हैं। तो शॉपकीपर भैया लोगों के भी पेशेंस को मानना पड़ेगा, और हर दुकानदार के साथ ऐसा होता है मुझे ख्याल से, लेकिन फिर भी वो लोग बेचारे दिखाते हैं। सबर तो होता है ना, सबर करने से तो होता है। और बहुत से लोग कुछ रूट भी होते हैं, होते हैं ना, क्यों नहीं, अच्छे से नहीं बात करते, तो फिर वो भी नहीं करना चाहिए, फिर इंसान उनकी दुकान भी नहीं जाता। सही बात, अफ्तार के बाद ये वाला काम करना बड़ा मुसीबत वाला होता है यार, जल्दी लगा लो, थक गया हूं मैं। इसको मैं ऐसे ले आओ ना, ऐसे रख दो, ऐसे पलटा दो इसको, ऐसे आपने सही से लगवाया ही नहीं। डिनर कर लेते हैं, मेरे फेवरेट करेले, सऊदी भाई से बहुत खाए मैंने करेले, डेली करेला खाया था। ऐसे बनाते थे, ऐसे ही बनाता था मैं। दाल है, करेले है, रोटी, कस्टर्ड अब ठंडा हुआ है फ्रेंड्स, फाइनली। फिर हम लोग ने उस टाइम भी खा लिया था, खा के रिव्यू दिखाई है अपन। अब सही है, पास हो कस्टर्ड तुम्हारा, पास है। शरबत मेरा, शरबत इसका, शरबत बता दे, शरबत कैसे रहा है? थोड़ा सोलिस रहा है। अरे बाप रे, अब कल से पिलाएंगे तुम्हें शरबत, रुक जा। इरफान सबसे अच्छा क्या बना देता है? इरफान सबसे अच्छा बनाता उल्लू। खाने में, खाने में, बिरयानी बनाऊंगा किसी दिन, सोच रहा हूँ। बिरयानी बनाया कह रहा है, तो फिर खिला दो किसी दिन बना। पक्की बात कर रहा है, खुश भी है ना अभी, का है? रिश्ता हो रहा है। हम लोग आज जा रहे हैं छत में वॉक करने के लिए रात में। ओए भैया, ग्रीन टी पी रहा है तो इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहा है। मैंने सबसे वादा किया था ना मैं ग्रीन टी पीऊंगा, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रीन टी। अरे वाह, गुड, सही है। फ्रेंड्स, कल ये जो हिस्सा था जो मैंने आपको रूम टूर दिया था, अधूरा सा लग रहा था, और यही वाला जो हिस्सा है वो हमारा यूज होता है नमाज पढ़ने के लिए, पारा पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे एक कारपेट तो बनता है, और आपको पता है कि जब से मैं सऊदी से आई थी तब से मैंने रट लगा रखी थी कि हम बिछाएंगे। तो अभी हम पूरे रूम में तो नहीं बिछा सकते क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो रहा है, तो हम कहीं तो बिछा सकते हैं। तो आज हम ये लेके आए थे, आपने देखा था, हम इसे यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, हमें ब्लैक नहीं मिला, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये हमारे रूम के कॉन्ट्रास्ट के साथ जा रहा है क्योंकि हमने रेड कुशन्स वहाँ पे रखे हैं। मैंने लेकिन कहा था ब्लैक मिल जाए ज्यादा बेटर होगा ना। हाँ, ब्लैक नहीं मिला, कुछ ना होने से कुछ तो अच्छा होता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, सही लग रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग सारी तक सोते नहीं है, तो इसीलिए अभी कुछ काम कर लेते हैं। तो सनी हमें पार्सल्स खोल खोल के देंगे क्योंकि मेरे हाथ में भी थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। लोग कहेंगे इसका दर्द हो रहा है, इसका नहीं दर्द हो रहा, ये जलने से ज्यादा फ्रेंड्स ये दर्द हो रहा है। ये फांस बहुत दर्द करती है, बहुत ज्यादा। और पार्सल्स खोलने में ना ये बहुत ज्यादा वो होगा, जल्दी जल्दी खोलो, बहुत हार्ड है, तो जल्दी जल्दी क्या खोलूं मैं इसको। वही अपने ताकत के चक्कर में अंदर कोई प्रोडक्ट मत तोड़ देना। डिटर्जेंट पाउडर है क्या? 120 ग्राम सारस डिटर्जेंट पाउडर है। के अंदर डब्बा, ओ चूजी आई है। ये हमें लॉन सूज बाय आर्ट क्रिएशन, अरे उन्होंने वो नहीं डाला ना अपना कार्ड, तो इंस्टाग्राम पे खैर मैं सारी स्टोरीज डालूंगी तो आप लोग देख लेना। कंगन भी आए हैं, पहनावा बाय नेहा की तरफ से, आउटफिट अच्छा। पार्सल नंबर 3, मेरे मतलब कुछ नहीं निकलता है, तुम्हारे मतलब का नहीं निकलता क्योंकि तुम फोटो शूट करके नहीं डालते। इंस्टाग्राम पे गिनती के 3-4 पोस्ट तो तुमने डाले हैं, वो भी हमने जब बोला होगा। वैसे कोई ये कह रहा था कि जिसने हमें ये बैग भेजा था उसमें से कोई कह रहा था कि हमें खाली चीजों के लिए जूते भेजने। देखो खुशी, देखो ये अपन छोड़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी पहले खो, बाद में फोड़ लेना। इसमें घुस गई मेरी खेची, प्रोडक्ट नहीं फाड़ देना।
पैक कितना अच्छा किया। ओ ये डब्बा तुमने खराब किया। नहीं नहीं भैया मैंने खराब नहीं किया, पहले से यहाँ से मैंने इस तरफ खराब किया, उधर मैंने खराब नहीं किया, अल्लाह के साथ मैंने खराब नहीं किया है, तो दब गया है। वो डब्बा भी दिखाना है। अरे डब्बा दिखाना भाई, तो नाम जहाँ लिखा वो सही है, साइड में क्या दिक्कत है उसमें? वो बोलेंगे आपने हमारा डब्बा खराब कर दिया, तो कहते माफी चाहते हैं और क्या भाई, गलती हो गई। ऐसे नहीं होता, आपसे तुमसे कभी अनबॉक्सिंग नहीं कराएंगे। अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, रमजान चल रहा है, मैंने नहीं खराब किया था, दिमाग नहीं खराब करो ठीक है, काम करो, डब्बा खराब कर दिया। कितना पैक है ये, पंखा वंखा जैसा वारंटी कार्ड लेके चली हो सकता है, वारंटी कार्ड हो वो है डब्बा के अंदर, डब्बा 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 ये निकला सबका अब्बा। वाला आउटफिट आया है हमें हमारे जो एक फेवरेट पेज है अल राना फैशन उनकी तरफ से। अभी आपको इसी तरह दिखा दिया है फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे इसकी फोटोज डालेंगे, आप चेक कीजिएगा। हो चुका है सैरी टाइम, 3:40 हो गया है, अभी जाते हैं सैरी प्रिपेयर करते हैं। ये व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें बहुत सारा प्यार दें। ऐसे ही प्यार करते रहिए और हमारे लिए दुआ करते रहिए, और रोज़ और आप चलते भी रहिए, तिलावत करिए और सबके लिए दुआ करिए।